हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ आगरा फोर्ट के बारे में, बल्कि आगरा फोर्ट लेके चलूँगा। तो आइए चलते हैं। आगरा फोर्ट जो कि आगरा शहर में स्थित है, ये लाल पत्थरों से बना है। ताजमहल से इसकी दूरी लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर तक की है। इसकी टिकट आपको ऑनलाइन मिलेगी agra.nic.in पर। जहां से हम एंट्रेंस करते हैं उसे अमर सिंह गेट के नाम से जाना जाता है। वैसे दो गेट और भी हैं। दूसरे गेट को दिल्ली गेट, जहां से आर्मी के जाने का रास्ता है। तीसरा वाटर गेट है। इसका निर्माण 4 मुगल बादशाहों ने किया था। इसके निर्माण की शुरुआत मुगल बादशाह अकबर ने की थी, फिर उनके बाद उनके बेटे जहांगीर ने, जहांगीर के बाद शाहजहां ने, और शाहजहां के बाद औरंगजेब ने। इसका निर्माण आर्किटेक्ट मोहम्मद कासिम ने किया था, जो कि इराक से थे। इसे बनवाने में 4000 मजदूरों ने काम किया था। एंट्री में ये स्लोप पर बनाया गया है, जो मुगल कालीन के इतिहास को दर्शाता है। जहांगीर महल के ठीक सामने एक बाथिंग टब बना है, जिसे जहांगीर के मामा मानसिंह ने उन्हें गिफ्ट में दिया था, जो रानी जोधाबाई के भाई थे। ये टब एक सिंगल स्टोन में बना है। इसी टब में सलीम नहाया करते थे, जिसमें 3 सीढ़ी अंदर है और 3 सीढ़ी बाहर। बादशाह जहांगीर का महल इस्लामिक कला को बखूबी खूबसूरती से दर्शाता है। इसमें भारतीय कला का भी समावेश दिखाई देता है। इस महल के एक तरफ किचन है, दूसरी तरफ बेडरूम, तीसरी तरफ लाइब्रेरी है, तो चौथी दिशा में मंदिर। और जो सामने आपको जगह दिख रही है, वहां अकबर बादशाह डाइनिंग टेबल पर खाना खाते थे। जब इनका जन्मदिन होता था तो यहाँ नीचे नाच गाना होता था, जिसका नाम रंगमहल कहा जाता है। और ऊपर लेडीज लोग बैठी रहती थी, जिसको झरोका कहते हैं। रानी जोधाबाई हिंदू परिवार से थी, इसलिए यहाँ मंदिर का निर्माण कराया गया था। कहते हैं बादशाह जहांगीर को किताबों को पढ़ने का बड़ा शौक था, इसलिए यहाँ पर एक कलाकृति लाइब्रेरी का निर्माण कराया गया है। इस महल में समर पैलेस और विंटर पैलेस भी अद्भुत तरीके से बने हैं, जो ऋतु अनुसार इस्तेमाल किए जाते थे। जब मुगल शाहजहां के लड़के औरंगजेब का शासन आया, उन्होंने किले की सेफ्टी के लिए चारों तरफ पानी की खाई बनवाई। ये बिना लाइट का एसी रूम था। इसमें ऊपर पानी का टैंक बना हुआ है, जो कि उस जमाने में पानी लाते थे यमुना नदी से लेदर के बैग में, और यहाँ पर डाला करते थे ताकि रूम ठंडा रहे। शाहजहां ने अपनी दोनों बेटियों के लिए ये महल बनवाया था, जो कि ये सारा वाइट मार्बल में बना हुआ है। छोटी बेटी रोशनारा, जिनका ये महल है, और एक जानर थी। और जो सामने आपको नजर आ रहा है, ये रोज वाटर का फाउंटेन था। यानी शाहजहां के पास कोई भी उस दौरान वीआईपी आते थे, तो उस समय इसको यूज किया करते थे।
उस समय पानी के प्रेशर से ये रोज वाटर फाउंटेन का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कि आप सामने ये चार गार्डन देख सकते हैं, यहाँ पर पहले जमाने में अंगूर उगाया करते थे और अंगूर की वाइन यूज किया करते थे जहांगीर उस चौपाटी पे बैठ के। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये शाहजहां की बड़ी बेटी जहारा का महल था और अंदर से ये पूरा गोल्ड पॉलिश से बना हुआ था। इस फोर्ट में दो जगह थी, दीवाने खास और दीवाने आम। ने खास जो कि वहाँ थोड़ी अभी रेनोवेशन चल रही थी तो वो थोड़े टाइम के लिए बंद कर रखा था, तो मैं आपको दीवाने आम दिखाऊंगा। दीवाने आम जहाँ आम जनता का फैसला होता था और आम जनता का दरबार लगता था। ये जगह देखकर आपको लगेगा कि यहाँ पर जोधा अकबर की शूटिंग हुई थी, बट ऐसा यहाँ कुछ नहीं था, वो वहाँ एक सेट बनाया गया था। यहाँ पर मुगल बादशाह अपसाइड पर बैठते थे, मंत्री लोग डाउन साइड पर और आम जनता नीचे जमीन पर। और शाहजहां को उन्हीं के बेटे औरंगजेब ने लगभग 8 साल तक कैद में रखा था। कहा जाता है कि शाहजहां ने ये इच्छा जाहिर की थी कि उन्हें जहां भी कैद किया जाए वहां से वो ताजमहल का दीदार कर सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।